हरिओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पापा कुंशा एकादशी की पावन व्रत कथा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वो ही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक में लेके जाते हैं। पापा उपकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी के दिन दान करने से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पापा कुंशा एकादशी के व्रत की विधि। इस व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जो चावल और मसूर की दाल सूर्यास्त के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहां तक संभव हो 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। 10वीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी कि एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण कर और उनकी कथा का श्रवण किया जाना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि के प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही ये व्रत हरिवासर समाप्त होने के बाद समाप्त यज्ञ यानी कि पारण किया जाता है। पापा कुंशा एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं।
हे नरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्य जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वो सब मैंने आपको बतलाया, अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा किसके कहने से किया था? कृपा करके इस व्रत की कथा भी मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंत समय आया तो वो मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापाकुंशा एकादशी का व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ ये व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिला। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फलस्वरूप बहेलिया के सारे पापों का नाश हो गया और वो भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने पूर्ण धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रह गए और बहेलिए को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। अब आप सभी एकादशी माता की पावन कथा का श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था जो बेहद बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बात रख दी। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वो ही आपके समस्त दुख दूर करेंगे। भगवान शिव जी के कहे अनुसार सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है, आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मुर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मुर से युद्ध किया। ये युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मारा गया। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें कुछ दिन आराम किया। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहां आराम करते करते सो गए। मुर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया
और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप एकादशी के नाम से पूजी जाएंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो आपको अगर ये कथा, ये भगवान श्री हरि नारायण और एकादशी माता की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।